के बलिया से, जहां पर निषाद और सुबह सपा कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प देखने को मिली है। साथ ही आपको बता दूं कि झड़प की जानकारी मिलते ही निषाद पार्टी प्रत्याशी केतकी सिंह असेगा पहुंची है। असेगा गांव में सुबह सपा कार्यकर्ताओं को धमकाया गया है। तो बलिया से ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर निषाद और सुबह सपा कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है। झड़प की जानकारी मिलते ही निषाद पार्टी प्रत्याशी केतकी सिंह असेगा पहुंची है। असेगा गांव में सुबह सपा कार्यकर्ताओं को धमकाया गया है। तो ये लगातार बड़ी खबर बलिया से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर निषाद और सुबह सपा कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प का मामला सामने आया है। बिल्कुल वर्षा, सुबह सपा कार्यकर्ताओं और निषाद पार्टी प्रत्याशी केतकी सिंह इस वक्त वहां पर पहुंची है, क्योंकि झड़प की नौबत वहां पर आ गई थी। मेरे सहयोगी अमित हमारे साथ है। अमित, किस बात पर झड़प हो गई और अभी क्या स्थिति है? जी अभी बता दें कि असेगा गांव है, वहां कुछ लोग फर्जी मतदान कर रहे थे, उसी को लेकर झड़प हुई है, और जिसके लेके वहां पे केतकी सिंह वहां पे पहुंची हैं, बीजेपी और निषाद पार्टी प्रत्याशी, और उनका कहना है कि जो भी गलत हो रहा है उसको रोका जाए, इसको इस तरह का काम नहीं होना चाहिए कहीं भी। यही क्या अभी वहां पर जो भी गड़बड़ी थी वो दुरुस्त कर ली गई? प्रशासन इस गड़बड़ी को दूर कर रही है वहां पे और पूछताछ कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बलिया से खबर, जहां पर निषाद और सुभाषपा कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई है, और सीधे हम आपको अब लिए चलते हैं सोनभद्र।